नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राधा स्वादा में आपका स्वागत है। आज हम मार्केट से भी स्वादिष्ट बेसन के लड्डू बनाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। इसका टेक्सचर दानेदार होता है जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए हम देखते हैं बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। यहाँ पर 1 कप पाउडर चीनी है, इसके जगह आप नॉर्मल चीनी को भी पीस ले सकते हैं। ये दोनों की मात्रा एक ही है। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम और काजू को काट लिया है। यहाँ पे मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी लिया है, देसी घी है। यहाँ पे आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर है। तो चलिए हम बनाते हैं बेसन के लड्डू। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। तो चलिए हम बनाते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ाया है। इसमें हम घी डालेंगे, सारा घी हम डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच घी हम बचा के रख लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो रखना है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा बेसन डालते हैं, मिला लेते हैं अच्छी तरह से। अब सारा बेसन डाल के हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो रखना है, इसे हमें हाई नहीं करना है, नहीं तो बेसन हमारा जल जाएगा। और हमें इसे लगातार चलाते रहना है। बेसन को हमें तब तक भूनना है जब तक बेसन से एक अच्छी महक ना आने लगे और इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो चलिए हम इसे 5 से 6 मिनट भून लेते हैं। अब देखिए बेसन हमारा भून चुका है, इस बहुत अच्छी महक आ रही है। अब हम बेसन के लड्डू को दानेदार बनाने के लिए थोड़ा सा पानी लेंगे हाथों में इस तरह से, और इस तरह से हम छिड़केंगे। इससे बेसन का लड्डू दानेदार बनता है जो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप लड्डू को कलर देने के लिए थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर डाल सकते हैं। देखिए मैंने 1 पिंच कलर डाला है। इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे, ये झाग थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। अगर आप लड्डू को ज़्यादा दानेदार कर बनाना चाहते हैं तो आप और 1-2 बार पानी डाल सकते हैं इस तरह से। देखिए अब झाग खत्म होने लगा है और बहुत ही अच्छी तरह से बेसन भून चुका है। इसे हम थोड़ा और भून लेते हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे, बेसन अच्छी तरह से भून चुका है और हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं 1 से 2 मिनट। बेसन हमारा ठंडा हो चुका है, मैंने इसे 1 मिनट के लिए ठंडा किया था। अब हम इसमें चीनी का पाउडर मिलाएंगे, इलायची का पाउडर भी इसमें हम मिला देंगे, और जो नट्स लिए हैं उसे भी मिला देंगे। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिलाना है। बेसन को हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ज़्यादा ठंडा अगर बेसन हो जाएगा तो चीनी हमारा बेसन में अच्छा से मिक्स नहीं होगा, तो हमें बेसन को थोड़ा गर्म ही रहने देना है। देखिए हमें इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है। देखिए हमारा बेसन अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम इसे 1 थाली में ट्रांसफ़र करेंगे और उसमें हम अच्छे से मिलाएंगे। मैंने बेसन के मिक्सचर को थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम चमचे की मदद से इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि इसमें कोई भी चीनी का गांठ ना रहे। देखिए इस तरह से हम मिला लेते हैं। अब मैंने जो घी रखा था बचा के, उसमें और 2 बड़ा चम्मच घी डाल दिया। जितना भी हमें लगेगा उतना हम ऐड करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला देते हैं, हम हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अगर आपको लगता है कि घी और ऐड करना पड़ेगा, हमारा लड्डू नहीं बन पाएगा, तो आप उसमें और घी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। देखिए हमारा लड्डू बन जा रहा है, तो अब मैं इसमें घी नहीं ऐड करूँगी। इसे हम थोड़ा और मिला लेते हैं।
लड्डू आपको बेसन जब थोड़ा गर्म ही रहे तो ही बांधना है, नहीं तो ठंडा होने के बाद लड्डू नहीं बंध पाएगा। अब हम इसके लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो जितना भी बड़ा आपको लड्डू चाहिए उतना बेसन का मिक्सचर लें और हाथों की मदद से दबा दबा के इस तरह से लड्डू तैयार कर लें। देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा लड्डू बन के तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से हमारा लड्डू बन जाता है। देखिए इसी तरह हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बने हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने 2 बड़ा चम्मच एक्स्ट्रा घी लिया था, तो 1 बड़ा चम्मच ऐड किया, 1 चम्मच घी बच ही गया है। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बने हैं। इस गणेश चतुर्दशी में आप इस लड्डू को बनाएं और गणेश जी को भोग लगाएं। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।